अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 7.4 थ्री में कर चुका, फोर पे आ गए हम लोग। छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। पहला सवाल कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द स्पेसिफाइड पॉइंट्स इज अबव और बिलो द गिवन स्ट्रेट लाइन। हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई है और पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये पॉइंट अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है। सही है, उसके लिए मैं थ्योरी लिख दे रहा हूँ आपके पास, ठीक है जी। थ्योरी है, आफ्टर पुटिंग गिवन पॉइंट्स इन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इफ रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो आ जाए, यानी आफ्टर पुटिंग गिवन पॉइंट गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करने के बाद रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो का मतलब एक नंबर आ जाए जो पॉजिटिव हो। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो नंबर होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं है। हमें एक नंबर चाहिए जो पॉजिटिव हो, तो हम कहेंगे देन पॉइंट लाई अबव द लाइन। तो पॉइंट अबव द लाइन होगा। इसी तरह मैं लिख रहा हूं कि आफ्टर पुटिंग गिवन पॉइंट इन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इफ रिजल्ट लेस देन जीरो आ जाए, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव आ जाए। अब वो नेगेटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, हमें इससे कोई बात नहीं। तो देन पॉइंट लाई बिलो द लाइन, हमें सिर्फ यही बताना है। सवाल वो यही कर रहा कि गिवन पॉइंट अबव द लाइन है या बिलो द लाइन, और कुछ नहीं पूछ रहा। मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं, यह लिख रहा हूं कि आफ्टर पुटिंग गिवन पॉइंट इन गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इफ रिजल्ट इक्वल टू जीरो आ जाए देन पॉइंट लाई ऑन द लाइन। ये नहीं दिया हुआ उसमें कि ऑन द लाइन नहीं पूछ रहा हुआ। सही है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट करने के बाद पॉइंट रिजल्ट जीरो आ जाता है, तो देन गिवन पॉइंट लाई ऑन द लाइन। तो हमें जस्ट यही पूछ रहा गया अबव द लाइन है या बिलो द लाइन। मैं इसे मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन करने के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन के तीन पार्ट है, कोई मैं दो पार्ट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर वन, पार्ट नंबर वन, हमें यही बताना है कि डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड पॉइंट्स इज अबव और बिलो द गिवन स्ट्रेट लाइन। पहली स्ट्रेट लाइन दी हुई है 3x प्लस 11y माइनस 44 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो दिया हुआ। पॉइंट दिया हुआ हमारे पास 10, 1 माइनस 4, 6 5 और 3, 10 और 1 माइनस 4 और 6 और दिया हुआ 5 और 3 एंड 5 और 3 ठीक है जी। पहला पॉइंट पुट कर दिया, इस बार चेक कर रहे हैं एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 1 है। सही है,
आप चाहें तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ये उठा लें हम 3x + 11y - 44, एक दफ़ा और लिख लें इसे ताकि इसका रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा हमें, 3x + 11y - 44। 3x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 11 - 44, 30 + 11 - 44, ये हो जाएगा 41 - 44, ये आ गया हमारे पास -3। तो ये रिजल्ट जो आया इसका 3x + 11y - 44 का <0 आ गया। इसका मतलब हैंस गिवन पॉइंट्स बिलो द लाइन सही है, लाइन से बिलो। सेकेंड पॉइंट पुट करें एट -4, 6 पर 3x + 11y - 44 इक्वल टू 3x + 11y - 44। 3x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू 6 है - 44, हो जाएगा 12 + 66 - 44। इसमें ये ऐड कर दीजिए, हो जाएगा -56 + 66, बच जाएगा हमारे पास 10। तो 3x + 11y - 44 का रिजल्ट 10 आ गया। इसका मतलब 3x + 11y - 44 का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब हैंस गिवन पॉइंट लाई अबव द लाइन लाइन से ऊपर। अब हम पुट करेंगे, चेक करेंगे एट 5 और 3 पर, पुट करें हम ये रीलाइन की इक्वेशन 3x + 11y - 44, 3x + 11y - 44। 3x की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 5, y की वैल्यू दी हुई है 3 - 44, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 33 - 44, ये हो जाएगा 48, ये आ जाएगा 4। इसका मतलब 3x + 11y - 44 का रिजल्ट आ गया ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हैंस गिवन पॉइंट लाई अबव द लाइन, ठीक है। ये तीनों सवाल इसी तरह, पॉइंट दिया हुआ, लाइन की इक्वेशन दी हुई, हमने जस्ट पुट करके चेक करना है कि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा नेगेटिव रिजल्ट आ रहा, और पुट कर देना हमने उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि नीच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। अब ये हमारे पास नया फॉर्मूला है, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। कह रहा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन टू अ पॉइंट, सही है ना। तो मैं वैसे ही फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन। लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, एक x + by + c = 0 फ्रॉम अ पॉइंट। पॉइंट हम ले लेते हैं x1 y1, ये फार्मूला ड्राइव करके पीछे दिया हुआ, हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे ax1 + by1 + c / √a² + b² और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव होता है इसीलिए इसे मॉडुलस मिलेंगे, नेगेटिव आएगा तो मॉडुलस उसे पॉजिटिव कर देगा। एक्स वन वाई वन वो गिवन पॉइंट है और लाइन की इक्वेशन दी हुई है, यहाँ दी हुई है 5 पार्ट दिए हुए, 3 में कर दे रहा हूँ। पहला 1 करता हूँ मैं, 1, 3 और 5 मैं कर दे रहा हूँ, 2 और 4 आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 15x - 8y - 5, 2 का पार्ट 1, 15x - 8y + 5 = 0, ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है और पॉइंट दिया हुआ है 2 और 1, सही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। लाइन से कंपेयर करके हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आ गई 15, बी की वैल्यू आ गई -8 और सी की वैल्यू आ गई 5। पॉइंट ये दिया हुआ है x1 y1, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है ax1, चलिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ फिर पुट करेंगे, by1 + c
डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए दिया हुआ है 15, एक्स वन की वैल्यू दी हुई है 2, बी दिया हुआ है -8, वाई वन की वैल्यू दी हुई है 1, सी दिया हुआ है हमारे पास 5, -5 है, मैंने प्लस लिख दिया तो सी की वैल्यू आ जाएगी -5, तो यहाँ लिख देंगे -5। ए दिया हुआ है हमारे पास 15 का स्क्वायर और बी -8 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे। 15 टू का 30, 8 वन द 8, 5 वन द 5, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 30 में से 30 निकाल देंगे बच जाएगा 17 और ये आ जाएगा हमारे पास 982। सही है, 289 का स्क्वायर रूट निकालने 17 ही आएगा मेरा हर 289, 17 आ गया। सही है, पॉजिटिव ही आया, ये कैंसिल, वन वन का मॉड वन ही है, तो हमें तो बस नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखना है, मॉड सिर्फ ये काम करेगा यहाँ पे। ये पहला पार्ट था, डिस्टेंस निकालना था हमें। पार्ट नंबर 3 कर लो, पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है आपके पास 3x प्लस 4y प्लस 10, और पॉइंट दिया हुआ है आपके पास, पॉइंट दिया हुआ है आपके पास 3 और -2। डिस्टेंस निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा फॉर्मूला ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। पहले हम इसे कंपेयर कर लें इस लाइन को, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3, बी की वैल्यू आ जाएगी 4, सी की वैल्यू आ जाएगी 10। ये फार्मूला है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिया हुआ है 3, एक्स वन की वैल्यू दी हुई है 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दिया हुआ है 4, वाई वन की वैल्यू दी हुई है -2, प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बी 4 है, ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 9, 4 2 -10 प्लस 10, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 8 निकालेंगे 1 10 और 1 11 और ये हो जाएगा 25, इसका रूट निकालेंगे 5 आ जाएगा 11 over 5, तो ये आ गया हमारे पास 11/5। अब चाहे तो डिस्टेंस है यूनिट लिख दें या तो कुछ सेंटीमीटर मीटर वगैरह लिखा हुआ नहीं है। ये पार्ट नंबर 3 था, आइए पार्ट नंबर 5 करते हैं। 3 का पार्ट 5 करने के बजाय 4 कर देते हैं। अच्छा ये पॉइंट में दिया हुआ है इसका आंसर, कोई मसला नहीं, डिवाइड कर देते पॉइंट में आ जाता, 5 करने के बजाय पार्ट 4 कर दे रहा हूँ। 2 का पार्ट नंबर 4, लाइन की इक्वेशन गिवन है हमारे पास 2x माइनस 7y प्लस 1 और पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास 7 और 4, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 1। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये रहा, मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए दिया हुआ है 2, एक्स वन की वैल्यू 7, बी दिया हुआ है -7, वाई वन की वैल्यू 4, प्लस सी दिया हुआ है 1, ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर -7 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 7 14, 7 4 28 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, तो 28 में से 14 निकालेंगे माइनस का 14 बच जाएगा, 1 निकालेंगे माइनस का 13, 53, रूट से बाहर निकालेंगे आ जाएगा
ओवर 53 पॉजिटिव, ये आ गया डिस्टेंस। ठीक है जी, तो ये हमने डिस्टेंस निकालना था बिटवीन पॉइंट एंड लाइन फॉर्मूला। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसमें भी तीन पार्ट है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अच्छा, लास्ट ईयर बुक जो बुक थी ना आपकी पुरानी वाली, उसमें डिफरेंट कंडीशन से निकाली गई थी। यहाँ बाकायदा फार्मूला दे दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन के लिए फार्मूला है, मैं वो लिख रहा हूँ, फिर हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन निकालने का फॉर्मूला ये है, मॉडुलस ऑफ सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अच्छा, बुक में जो फार्मूला दिया हुआ है ना वो ये दिया हुआ है, और एक एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ उसमें उन्होंने ये लेने के बजाय ये ले लिया है, मॉडुलस डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी। आगे जाके हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे निकाला जाएगा, तो ये भी फार्मूला यूज़ कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो हम यही फार्मूला इस पर यूज़ करेंगे। तो हमारे पास दो पैरेलल लाइन गिवन है, एक पैरेलल लाइन गिवन है 5x माइनस 12y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये पहली लाइन है, ये लाइन पैरेलल है एक और लाइन की। जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनके x और y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, बस कांस्टेंट में फर्क होगा। सही है ना, ये दिया हुआ है माइनस 16 इक्वल टू 0। ये सी वन हो जाएगा, ये सी टू हो जाएगा, ए दोनों और ए और बी सेम है। इसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई 5, बी की वैल्यू आ गई माइनस 12, सी वन की वैल्यू आ गई 10 और सी टू की वैल्यू आ गई माइनस 16। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन निकालने का फॉर्मूला सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी वन दिया हुआ है हमारे पास 10 और सी टू दिया हुआ है माइनस 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू माइनस 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 16 और ये हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस 144, ये हो जाएगा हमारे पास 26 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 169। ये आ जाएगा 13, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13 को 26 को 13 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 2। ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। एक पहला पार्ट कर दिया, एक तीसरा पार्ट कर देता हूँ, सही ना, बल्कि दूसरा कर देता हूँ, तीसरा सेम है, दूसरे भी कुछ काम करना है वो कर देते हैं। पैरेलल लाइन के x और y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ये खास ख्याल रखना है हमने। 3 का पार्ट 2, लाइन की इक्वेशन गिवन है हमारे पास पार्ट 2 में एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। लाइन का कोफिशिएंट सेम नहीं है तो इस सेम कर लेंगे, 2 कॉमन ले लें इसमें से, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 0, 2 वहां जाके 0 हो जाएगा, अब कोफिशिएंट सेम हो गया। इसको अगर हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1, सी 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 2 और सी 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1 बाई 2। वही डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे, सी 1 माइनस सी 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी 1 दिया हुआ है माइनस 2, यह आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए भी वन है बी भी वन है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 प्लस हाफ डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर भी 1, इसका एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा माइनस 2 एलसीएम आ जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, ये बच जाएगा माइनस 3 बाई 2 और डिवाइडेड बाई रूट 2। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2, सही है, 1/√2 आ जाएगा, सॉरी 1/√2 इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई, तो ये बच गया हमारे पास माइनस 3/√2। मॉड खत्म कर दें पॉजिटिव हो जाएगा, ये आंसर आ गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस।
इस लाइन में हमें लाइन के को मैंने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन निकालना हो तो हमें कोएफिशिएंट सेम करना होगा, एक्स और वाई का नहीं होगा तो कॉमन लेके सेम कर लेंगे, बट इवर कॉमन ही बचता हमारे पास उसे लेके सेम करेंगे। तो इस तरह एक्सरसाइज 7.4 भी आपकी कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।